मूवी के स्टार्ट में हम 12 साल के लड़के प्रॉस्पर को बोर्डिंग स्कूल से भागते हुए देखते हैं। प्रॉस्पर के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसके अंकल मैक्स और आंट एस्टर ने उसे बोर्डिंग स्कूल दाखिल करवा के उसके छोटे भाई बो को एडॉप्ट कर लिया है। प्रॉस्पर और बो एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते, इसलिए भागने का प्लान करते हैं। प्रॉस्पर स्कूल से भागने के बाद बो को मैक्स के घर से लेने जाता है। प्रॉस्पर बो को विंडो से कैच करता है और उसके साथ साइकिल पर भाग जाता है, लेकिन घर का अलार्म बजने की वजह से मैक्स और एस्टर उन्हें देख लेते हैं। सुबह होते ही प्रॉस्पर और बो सी साइड पर पहुंचते हैं, जहां वो वेनिस जाने वाली एक बोट में छुप जाते हैं। वो लोग वेनिस जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी मॉम वेनिस शिफ्ट होना चाहती थी। शिप रुकने पर वो दोनों भागने लगते हैं, तभी बोट का ओनर उन्हें देख लेता है। प्रॉस्पर अपनी साइकिल शिप से निकालने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे साइकिल छीन लेता है। प्रॉस्पर साइकिल छोड़ के बो के साथ वहाँ से भाग जाता है। मैक्स और एस्टर एक डिटेक्टिव गेट से मिलने जाते हैं और उसे प्रॉस्पर और बो की पिक्चर दिखाते हुए उनको ढूंढने के लिए हायर करते हैं। एस्टर गेट्स को बताती है कि प्रॉस्पर और बो वेनिस भाग गए हैं, क्योंकि उनकी मॉम हमेशा उन्हें उस सिटी की स्टोरी सुनाया करती थी और वो दोनों हमेशा से वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। बो को बहुत खांसी आने लगती है। प्रॉस्पर के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक फार्मेसी से कफिंग सिरप चुराने लगता है, लेकिन फार्मासिस्ट उसे देख लेता है। प्रॉस्पर बो के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फार्मासिस्ट उनके पीछे पड़ जाता है। तभी एक टीनेजर से पियो, जो खुद को थीफ लॉर्ड कहता है, फार्मासिस्ट को ट्रैप करते हुए प्रॉस्पर और बो को बचा लेता है। सिपियो एक मास्क पहन के रखता है। वो प्रॉस्पर और बो से पूछता है क्या वो ऑर्फन्स है। प्रॉस्पर इमोशनल हो जाता है। तभी सिपियो उन्हें कहता है वो भी उनकी तरह ऑर्फन है और वो उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जा सकता है, जहाँ पर उनकी तरह ऑर्फन चिल्ड्रन रहते हैं, और वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं। सिपियो प्रॉस्पर और बो को अपने हाइड आउट लेके जाता है, जो एक अबैंडन्ड सिनेमा है और स्टेला के नाम से फेमस है, जहाँ सिपियो के साथ तीन ऑर्फन चिल्ड्रन हॉर्नेट, रिचो और मॉस्का रहते हैं। हॉर्नेट बो को मेडिसिन देती है। प्रॉस्पर को पता चलता है कि सिपियो रेट्स पर जाता है और हमेशा ट्रेजर्स के साथ वापस आता है, लेकिन एंटीक डीलर बारबरोसा उन्हें चीजों की बहुत कम कीमत देता है। बो सबको बताता है कि प्रॉस्पर बहुत अच्छी डीलिंग करता है, इसलिए सिपियो प्रॉस्पर को रिचो के साथ बारबरोसा के पास जाने के लिए कहता है। प्रॉस्पर इस काम में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन सिपियो उसे कहता है अगर वो उनके साथ काम करेगा तो वो जितनी देर चाहे स्टेला में रह सकता है। प्रॉस्पर के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो डीलिंग के लिए तैयार हो जाता है। प्रॉस्पर रिचो के साथ बारबरोसा के पास जाता है। बारबरोसा उनकी सारी चीजों के बदले 100 यूरो की डील करता है, लेकिन प्रॉस्पर उसे 1000 यूरो देने के लिए कहता है। बारबरोसा के मना करने पर वो चीजें वापस ले जाने लगता है। तभी बारबरोसा 500 यूरो में डील डन कर देता है और उन दोनों को बताता है कि एक क्लाइंट सिपियो से मिलना चाहता है, जो एक चोरी पर उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए तैयार है। रिचो प्रॉस्पर की डीलिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे पहली बार 500 यूरो कमाने पर सेलिब्रेशन के लिए केक लाने के लिए कहता है। तभी गेट्स, जो मैक्स और एस्टर के कहने पर बच्चों को ढूंढने वेनिस पहुंच चुका है, अपना रूप बदलते हुए प्रॉस्पर के पास जाता है और उसे उसका नाम पूछता है। प्रॉस्पर को शक हो जाता है कि एस्टर उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए वो रिचो के साथ वहाँ से दौड़ लगा देता है। गेट्स उनके पीछे भागता है, लेकिन अपनी एक फ्रेंड आइडा की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रिचो और प्रॉस्पर वहाँ से भाग जाते हैं। स्टेला में सब बच्चे 500 यूरो मिलने पर सेलिब्रेट करते हैं। रिचो सिपियो को बारबरोसा के बताए गए क्लाइंट के बारे में बताता है और सिपियो क्लाइंट से मिलने के लिए मान जाता है। रिचो और प्रॉस्पर बारबरोसा से कह के क्लाइंट से मीटिंग अरेंज करवाते हैं। सब बच्चे क्लाइंट से मिलने जाते हैं। गेट्स और आइडा भी वो प्लेस विजिट करने आए होते हैं। सिपियो मास्क पहने प्रॉस्पर और मॉस्का के साथ चर्च में क्लाइंट से मिलता है। बो, रिचो और हॉर्नेट बाहर उनका वेट करने लगते हैं। क्लाइंट एक ओल्ड मैन कॉन्टे है। कॉन्टे उन तीनों को एक वुडन विंग ढूंढने के लिए कहता है, जो किसी मैजिकल खराउजल का मिसिंग पार्ट है। वो उन्हें विंग की इम्पोर्टेंस नहीं बताता, लेकिन सिपियो से वुडन विंग के बदले 50,000 यूरो देने की डील करता है और उन्हें कहता है उससे दोबारा मिलने का लेटर उन्हें बारबरोसा से मिल जाएगा। दूसरी तरफ गेट्स बो को देखते हुए उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो बातों बातों में गेट्स को बता देता है कि वो ऑर्फन चिल्ड्रन के साथ स्टेला में रहता है।
तभी प्रॉस्पर सेपियो और मॉस्को बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखते ही गेट्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लोग उसे बो से बातें करते हुए देख लेते हैं। सब बच्चे एक शॉप में आते हैं जहाँ प्रॉस्पर बो पे गुस्सा करते हुए कहता है उसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। गेट्स अपना रूप बदलते हुए शॉप के बाहर आ जाता है, लेकिन सेपियो को पता चल जाता है कि वो उन्हें फॉलो कर रहा है। सेपियो उसे डिस्ट्रैक्ट करने बाहर जाता है लेकिन अपना मास्क पहनना भूल जाता है। सेपियो के गेट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के दौरान बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। स्टेला में सब कॉन्टे की विंग्स के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन देखने लगते हैं। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग विंग एक हवेली में है। सेपियो सबको हवेली के बारे में पता करने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं गेट स्टेला की इन्फॉर्मेशन लेते हुए उसके ओनर डुटोरे के मेंशन पहुंच गया है। डुटोरे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बहुत रूड है। गेट्स मेंशन में सेपियो को देखता है जहां उसे पता चलता है कि वो ऑर्फन नहीं है बल्कि रिच बिजनेसमैन डुटोरे का बेटा है। गेट्स डुटोरे से स्टेला में काम करने की परमिशन लेता है। डुटोरे के लिए स्टेला की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए वो फौरन गेट्स को काम करने की परमिशन दे देता है और जल्दी में कही जाते हुए सेपियो से गेट्स को स्टेला की कीज देने के लिए कहता है। लेकिन डुटोरे के जाते ही सेपियो वहाँ से भाग जाता है और गेट्स उसके पीछे चला जाता है। सेपियो भागते हुए स्टेला पहुँचता है और सबको गेट्स के बारे में बताते हुए वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन हॉर्नेट उन्हें गेट्स को ट्रैप करने के लिए कहती है। गेट्स के स्टेला पहुँचते ही वो उसे ट्रैप करते हुए कर्टेन के पीछे बुलाता है जहाँ बच्चे उसे बांध देते हैं। अगले दिन प्रॉस्पर रिचो और हॉर्नेट देखते हैं मॉस्का और बो ने गेट्स को खोल दिया है और गेट्स सिनेमा के प्रोजेक्टर ठीक कर रहा है। वो तीनों उन दोनों पे गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन मॉस्का और बो कहते हैं गेट्स उनकी हेल्प कर रहा है, वो उन्हें हर्ट नहीं करेगा। तभी रिचो सबसे सेपियो के गायब होने की वजह पूछता है, जिस पे गेट्स उन्हें सेपियो की रियल आइडेंटिटी बताता है। रिचो को सेपियो के अगेंस्ट बात सुन के गुस्सा आता है और वो गेट्स को पंच कर देता है, जिस पर गेट्स उन्हें सेपियो का मेंशन विजिट करने के लिए कहता है। सब बच्चे मेंशन पहुंचते हैं। मेंशन की मेड सिर्फ बो और प्रॉस्पर को अंदर जाने देती है। वो दोनों सेपियो को वहां देख के हैरान रह जाते हैं। तभी डुटोरे सेपियो को मेंशन में फ्रेंड्स बुलाने के लिए डांटने लगता है और वहां से चला जाता है। प्रॉस्पर को पता चलता है कि सेपियो जितनी भी कीमती चीजें चुरा के लाता था वो उसके मेंशन की ही थी। प्रॉस्पर को लगता है सेपियो अपनी एंजॉयमेंट के लिए उनके साथ गेम खेल रहा है और वो गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। प्रॉस्पर बाहर आके सबको बताता है गेट सच बोल रहा था। रिचो सेपियो के झूठ बोलने से बहुत टूट जाता है। स्टेला वापस आने पर बच्चे देखते हैं गेट्स जा चुका है, लेकिन उन सब के लिए प्रोजेक्टर ठीक कर गया है। वो एक शॉर्ट मूवी एंजॉय करते हैं और सेपियो के बगैर ही वुडन विंग ढूंढने का फैसला करते हैं। रात को सब बच्चे हवेली पहुँचते हैं जहाँ उनका सामना सेपियो से होता है, लेकिन वो उससे नाराज होते हैं इसलिए उसके साथ काम करने से मना कर देते हैं। वो एक रूम में पहुँचते हैं तभी हवेली की ओनर आइडा कुछ आवाजें सुनते हुए जाग जाती है और राइफल पकड़ते हुए रूम में आती है। वो बच्चों को देख के हैरान रह जाती है और राइफल दरवाजे के पास रख देती है। आइडा बच्चों से हवेली में घुसने की वजह पूछती है। तभी सेपियो विंग के साथ वहाँ आता है और राइफल आइडा पर पॉइंट करते हुए सबको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन आइडा उसे राइफल छीनते हुए बताती है कि राइफल काम नहीं करती और उन सबसे विंग चोरी करने का पर्पस पूछती है। वो आइडा को बताता है कि उन्हें एक आदमी ने विंग के बदले में 50,000 यूरोस देने की डील की है। आइडा सब बच्चों को लिविंग रूम में ले जाती है जहां सब विंग देखने लगते हैं। आइडा उन्हें बताती है वो भी उनकी तरह ऑर्फन है और चाइल्डहुड में एक कॉन्वेंट में रहती थी और एक सिस्टर ने उसे ये विंग दिया था। सेपियो उसे विंग की इम्पोर्टेंस पूछता है, लेकिन आइडा भी इस बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए अगली सुबह वो बच्चों के साथ कॉन्वेंट जाती है जहाँ सिस्टर उन्हें बताती है कई साल पहले इस सिटी में मैजिकल कैरोसेल हुआ करता था जो यंगर को एडल्ट और ओल्डर को यंगर में चेंज कर सकता था, लेकिन वो कैरोसेल कहाँ है बहुत कम लोग जानते हैं। वो विंग उसी कैरोसेल का पीस है। उसे वो विंग उसकी मॉम ने दिया था और उसके लिए बहुत खास था, इसीलिए उसने विंग अपनी डियर स्टूडेंट आइडा को गिफ्ट कर दिया। कॉन्वेंट से वापस आते हुए सेपियो कहता है वो कैरोसेल ट्राई करना चाहता है। आइडा उन्हें कहती है उन्हें वो विंग कॉन्टे को देना होगा क्योंकि कैरोसेल की लोकेशन सिर्फ वो ही जानता है। वो लोग विंग कॉन्टे को दे
देने के बाद उसे फॉलो करते हुए कैरोसेल तक पहुंच जाएंगे। गेट्स को बो के साथ टाइम स्पेंड करने से पता चलता है कि मैक्स और एस्टर उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, इसीलिए वो मैक्स और एस्टर से कहता है कि बो और प्रॉस्पर वेनिस से जा चुके हैं, लेकिन उनको गेट्स की बात पर यकीन नहीं आता। उन्हें लगता है गेट्स बच्चों को ढूंढने में नाकाम रहा है, इसीलिए बहाने बना रहा है। वो उसे फायर कर देते हैं। बो, हॉर्नेट और प्रॉस्पर बारबरोसा के पास कॉन्टे का लेटर लेने जाते हैं। बारबरोसा एक ड्रॉअर से कुछ कैंडीज और लेटर निकालता है। यहाँ हम देखते हैं बो की मिसिंग रिपोर्ट उसके ड्रॉअर में है, यानी वो जानता है मैक्स और एस्टर बो को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें कॉन्टे की डील बताने पर फोर्स करता है, लेकिन प्रॉस्पर उससे लेटर लेते हुए बो और हॉर्नेट के साथ चला जाता है। कॉन्टे बच्चों को बोट में मिलने के लिए बुलाता है। आइडा, प्रॉस्पर, सेपियो, मॉस्का और रिचो के साथ विंग डिलीवर करने जाती है और कॉन्टे से छुपने के लिए चादर से खुद को छुपा लेती है। कॉन्टे अपनी सिस्टर कॉन्टेसा के साथ विंग लेने आता है और डील के अकॉर्डिंग उन्हें 50,000 यूरो पे करता है। यहाँ हम देखते हैं बारबरोसा उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच गया है और उसने उन्हें विंग देते हुए देख लिया है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए गुस्से में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि बो और प्रॉस्पर स्टेला में रह रहे हैं। पुलिस स्टेला में आते हुए हॉर्नेट और बो को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ आइडा बच्चों के साथ कॉन्टे और कॉन्टेसा को फॉलो करती है, लेकिन उनके करीब जाते ही वो उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। आइडा सबको बचाने के लिए बोट वापस टर्न कर लेती है। प्रॉस्पर, मॉस्का और रिचो वापस आने पर देखते हैं पुलिस ने स्टेला सील कर दिया है। वो घबराते हुए बो और हॉर्नेट को ढूंढने लगते हैं। प्रॉस्पर को लगता है ये गेट्स का काम है। दूसरी तरफ सिपियो अपने घर हॉर्नेट को पुलिस के साथ देखता है, जो पुलिस के पूछने पर सिपियो को पहचानने से इनकार कर देती है ताकि उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। मॉस्का, रिचो और प्रॉस्पर गेट्स पर अटैक करने जाते हैं। गेट्स उन्हें बताता है मैक्स और एस्टर ने उसे फायर कर दिया है, लेकिन वो बो को ढूंढने में उनकी हेल्प करेंगे। वो तीनों उसको कॉन्टे के दिए गए यूरोस दिखाते हैं। गेट्स उन्हें बताता है कि कॉन्टे के दिए गए यूरोस फेक हैं। रिचो को कॉन्टे पर बहुत गुस्सा आता है। गेट्स बो के बारे में पता करने के लिए एस्टर को कॉल करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बो मैक्स और एस्टर के पास है और हॉर्नेट किसी कॉन्वेंट में है। गेट्स बच्चों को आइडा के पास ले जाता है और उसे हॉर्नेट के कॉन्वेंट में होने के बारे में बताता है। आइडा और गेट्स सिस्टर की हेल्प से हॉर्नेट को वापस ले आते हैं। रात को सिपियो छुपके से प्रॉस्पर के पास आता है और उसे फिर से कॉन्टे के पास जाने के लिए कहता है। सिपियो और प्रॉस्पर एडल्ट होना चाहते हैं ताकि वो कानूनी तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। वो होटल से भाग जाता है, लेकिन मैक्स और एस्टर को उसके भागने का पता चल जाता है। एस्टर गेट्स को कॉल करते हुए फिर से बो को ढूंढने के लिए कहती है। गेट्स जानता है कि बो स्टेला गया होगा, इसीलिए वो स्टेला पहुंचता है जहां बो दीवार पर उदास खड़ा होता है। गेट्स से कहता है वो एस्टर के पास नहीं जाना चाहता। गेट्स उसे कहता है वो उसे प्रॉस्पर के पास ले जाने आया है, क्योंकि प्रॉस्पर उसके लिए बहुत परेशान है। गेट्स बो को जंप करने के लिए कहता है और उसे कॉट करते हुए वहां से ले जाता है। प्रॉस्पर और सिपियो कॉन्टे और कॉन्टेसा के पास जंगल में पहुंचते हैं, जो अब टीनेजर्स बन चुके हैं। सिपियो ये जान के खुश होता है कि मैजिकल कैरोसेल रियल में काम करता है और कॉन्टे से विंग के बदले उसे कैरोसेल की हेल्प से एडल्ट करने के लिए कहता है। कॉन्टे और कॉन्टेसा, प्रॉस्पर और सिपियो कैरोसेल के पास जाने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। कॉन्टेसा वहाँ चेक करने चली जाती है और कॉन्टे उन दोनों को कैरोसेल के पास ले जाता है, जो राउंड शेप में कुछ मैजिकल एनिमल्स में डिजाइन होता है। प्रॉस्पर कैरोसेल की राइड से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो इस राइड में हर्ट हो गया तो वो इस दुनिया में अकेला रह जाएगा। लेकिन सिपियो अपना डिसीजन चेंज नहीं करता और कॉन्टे उसके बैठते ही कैरोसेल चला देता है और देखते ही देखते सिपियो टीनेजर से एडल्ट में बदल जाता है। तभी बारबरोसा कॉन्टेसा को पकड़ते हुए वहाँ आ जाता है और उन्हें उसी कैरोसेल की हेल्प से यंग करने का कहता है। सिपियो और कॉन्टे बारबरोसा से रिवेंज लेने के लिए कैरोसेल के व्हील को बहुत पीछे घुमा देते हैं, जिसकी वजह से कैरोसेल तेजी से पीछे जाते हुए टूट जाता है और बारबरोसा कैरोसेल टूटने की वजह से हमेशा के लिए 6 साल के बच्चे में बदल जाता है। अगले दिन प्रॉस्पर बो से मिलता है और गेट्स सिपियो और बारबरोसा को देख के बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। आइडा, सिपियो और गेट्स किसी काम से बाहर जाते हैं, तभी एस्टर और मैक्स गेट्स के बारे में पता करते हुए आइडा की हवेली
में घुस जाते हैं और प्रॉस्पर से बो को उनको देने के लिए कहते हैं, जिस पे सब बच्चे उन दोनों को मारने लगते हैं। तभी मैक्स आइडा की राइफल पकड़ते हुए उन्हें डराने लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि राइफल काम नहीं करती। तभी मैक्स ट्रिगर दबा देता है और गोली प्रॉस्पर के पास एक दीवार में लग जाती है। सब डर जाते हैं। बो और हॉर्नेट प्रॉस्पर के पास जाते हुए मैक्स को कोसने लगते हैं। तभी सीपीओ वहाँ आ जाता है और राइफल पकड़ते हुए उन दोनों को बाहर निकाल देता है। सब बच्चे सीपीओ को एडल्ट रूप में देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। गेट्स और आइडा रूप बदलते हुए बारबरोसा को मैक्स और एस्टर को एडॉप्ट करने के लिए दे देते हैं। रिचो और मॉस्का बारबरोसा की शॉप से सारे पैसे निकालते हैं और सीपीओ को दे देते हैं। सीपीओ पैसे ग्रुप में डिवाइड कर देता है और वेकेशन पर जाने के लिए 2 बोट्स खरीदता है और बाकी पैसे बैंक में जमा करवा देता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं मॉस्का, रिचो और सीपीओ न्यू बोट में है और प्रॉस्पर, हॉर्नेट, बो और आइडा के साथ दूसरी बोट में है। सीपीओ गेट्स का असिस्टेंट बन गया है। सब खुशी खुशी डिसाइड करते हैं कि अब से सब एक फैमिली की तरह रहेंगे और इसी हैप्पी मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।